गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। कहानी शहीद, कहानीकार के एल गर्ग। बच्चे हुण तक असी इस दे पेज नंबर 67, 68 ते 69 दी रीडिंग कर ली है। आज असी इस दी रीडिंग नू कंटिन्यू करना है, पर उस तो पहला असी हुण तक जो पढ़िया है उस दी समरी डिस्कस कर दे हां। बच्चे, इस कहानी विच असी पढ़िया कि लेखक दा पुत्तर उसनू बहुत ही अजीब सवाल पुछन लग पिया सी। कई सवाल लेखक दे दिमाग विच मशाल वांग लगदे, कई जुगनुआ वांग टिम टिमौंदे सन, ते कई वार ओ कोई अजेहा सवाल करदा है कि लेखक नू अपने वड्डे होण ते शक होण लग पैंदा। एक दिन उसदा पुत्तर इनकलाबियां दियां जीवनियां दी किताब पढ़दा पुछदा है कि डैडी शहीद कौन हुंदे हन। ता लेखक सोचदा है कि उसने शायद फांसी ते लटकदे होए ते तेज तलवारां नाल जख्मी होए लोकां दियां तस्वीरां देख लईयां हन। उस समय लेखक उसनू जवाब दिंदा है कि जो लोग अपने लई नहीं दूजियां लई जिउंदे मरदे हन, उन्हां नू फांसी देण ते ओ शहीद अखवाउंदे हन। उस समय एकदम लेखक दा पुत्तर आखदा है कि रंगा बिल्ला, नथुराम गोडसे अते जुल्फकार अली भुट्टो वी तां फांसी चढ़े सन, ओ वी शहीद सन। लेखक उसनू समझौंदे होए आखदा है कि उहना ने बेदोशियां नू मारिया जां मरवाया सी। फिर उसदा मुंडा कुछ गंभीर होया पुछदा है कि लड़ाइयां विच एक देश दे कमांडर दूजे देश दे बेदोशे लोकां नू मरवाउंदे हन, ता उन्ना कमांडरां नू ता कोई फांसी नहीं चाड़दा, सगों उन्ना नू सोने चांदी दे तगमे दित्ते जांदे हन। जदों लेखक उन्ना नू बहादर कहिंदा है ता उसदा मुंडा बड़े सौखे ते सहज रूप विच आखदा है कि एक देश दे बहादर दूजे देश लई काफर हुंदे हन। ए सुन के लेखक नू पाकिस्तान नाल लड़ियां दो लड़ाइयां याद आउंदियां हन। दोवां देशां दे अवाम दे दिलां विच इक दूजे लई भोरा पर वी जहर नहीं सी, पर फेर वी दोवां देशां दे सिपाही बहादर ते काफर कहलाए, ते दोवां देशां दे हजारां बहादर मारे गए सन। उसदे पुत्तर ने रेडियो अते टीवी तों ए सारा सच झूठ सुनिया सी, इस लई उसदे जेहन विच बहादर ते काफर दा भेत हल नहीं हो रहा सी। लड़ाई दे उन्ना दिना विच ही हुसैनी वाला सरहद ते गुआंडी देश ने हमला करके उत्थों दा कुछ खेतर अपने कब्जे विच कर लिया, अते हुसैनी वाला लगे शहीदां दे बुत्तां दा लाहौर जाके जलूस कढ़िया गया। जद उसदे मुंडे ने टीवी ते ए सारा प्रोग्राम वेख्या ता उसने लेखक नू पुछया कि शहीदां नू श्रद्धांजलि दे रहे हन जां जित दा जशन मना रहे हन। लेखक ने उसने मन विच्चों परम दूर करदे होए कहा कि ए वंडे होए मुल्क दे शहीद रह गए हन, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हां दा नां अपने इतिहास विच्चों कढ दित्ता है। मुंडे दे पुछन ते लेखक ने कहा, ए सियासत दाना दी खेड है, ओ किसे नू भी हीरो जां जीरो बना सकदे हन, जिवें कालिया दा हीरो गोरियां लई हमेशा जीरो ही रहा, ते गोरियां ने अपना जीरो भी हमेशा हीरो बना के ही पेश कीता है। सो बच्चे, हुण तक असी जो पढ़िया सी उसदी समरी डिस्कस कीती है। अगे रीडिंग कंटिन्यू करन तो पहला असी जे औखे शब्द अर्थ डिस्कस करदे हां। उलारदा, पुछदा, सियासतदान, राजनीतिवान, बास्टर्ड जिवें कि इस लाइन च भी दिता है हराम, सुभाविक, आम, गुंजलदार, पेचीदा, साजिशनुमा, साजिश नाल संबंधित, उग्गे, मशहूर, फिरके, धर्म, उलझ पए, लड़ पए, जानी नुकसान होया, जानो खत्म होना,
अमन पसंद, शांति पसंद, तत्वों, शरारती अंसर, जवाबी कार्रवाई, मुकाबले की टक्कर लेना, वर्कियां, पन्निया, धर्म हेत, धर्म की खातर, मुहरे, अगे, धर के, रख के, फैसला कौन, फैसला करन वाली, अहद, प्रण, जद्दोजहद, संघर्ष, बैंडेज, डाकू, तहरीक, मुहिम, कामयाबी, सफलता, विछड़े साथी, मारे हुए, फैसला कौन, निर्णायक, इंज, ऐसे तरह, पुनन छानन, घोखना, बार बार आखी जा रहा सी, गल दोहराना, तंग आके, परेशान होके, कुलदा रहा, संघर्ष करदा रहा, मुक गया, खत्म हो गया, अमुक लड़ाई, कदे ना खत्म होने वाली लड़ाई। हुन बच्चे असी रीडिंग शुरू करांगे। हीरो हुंदे ने जां बनाए जांदे ने डैडी, मुंडा एक होर सवाल उलारदा है, कदी कदी बनाए भी जांदे ने बेटे सियासतदान, सब कुछ कर सकदे ने, कालिया दा हीरो गोरिया लई हमेशा जीरो ही रहा, ते गोरिया ने अपना जीरो भी सदा हीरो बना के ही पेश कीता, काला हीरो भी उन्ना लई बास्टर्ड ही रहा, बास्टर्ड हराम दा। हुन लेखक दा पुत्तर उस कोलों एक होर प्रश्न पुछदा है कि हीरो हुंदे हन जां अपने आप बनाए जांदे हन, ता लेखक जवाब दिंदा है कि राजनीतिवान सब कुछ कर सकदे हन, क्योंकि गोरियां लई कालियां दा हीरो हमेशा ही जीरो ही रहा है, अते उन्ना ने अपना जीरो भी सदा हीरो बना के पेश कीता है, जद की कालियां दा हीरो उन्ना लई हमेशा बास्टर्ड ही रहा है। कि कोई सारी दुनिया दा शहीद नहीं अखवा सकदा डैडी, प्रश्न जिन्ना सुभाविक ही सी, उत्तर उन्ना ही गुंजलदार। कदी मौका जरूर आवेगा बेटे, पर अजे धुंध है, अनेरा है, साजिशनुमा माहौल है। लेखक दा पुत्तर अपने प्रश्नां दी लड़ी जारी रखदिया आखदा है कि एक देश दा शहीद सारी दुनिया दा सांझा शहीद नहीं अखवा सकदा, ता लेखक उसनूं संतुष्ट करदिया आखदा है कि अजिहा समा आउण विच अजे बहुत ही देर लगेगी, क्योंकि हर पासे साजिशां चल रहियां हन ते कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पिछले दिनी पंजाब दे एक उग्गे शहर विच एक हादसा वापर गया, दो फिरके आपस विच उलझ पए, तेज तार हथियारां नाल लड़ाई होई, पुलिस नूं गोली भी चलाउणी पई सी, एक फिरके दा काफी जानी नुकसान होया। फिर लेखक अपने पुत्तर नूं पंजाब दे माड़े हालातां बारे दसदा होया कहिंदा है कि पिछले दिनां विच पंजाब दे एक मशहूर शहर विच एक घटना वापरी सी, जिस विच दो धर्मां दे लोग तेज तार हथियारां नाल आपस विच लड़ पए सन। ओ लड़ाई इन्नी वध गई सी कि पुलिस नूं गोली चलाउणी पई सी, जिस कारण एक फिरके दे बहुत सारे लोग मारे गए सन। एक अखबार ने सुर्खी लाई, देश दे अमन पसंद शहरियों पर कुछ तत्वों ने तेज तार हथियारों से हमला किया, जवाबी कार्रवाई में कुछ गुंडे मारे गए और बहुत से जख्मी हुए। दूजे फिरके दिया अखबारा ने मोटे अखरां विच खबर छापी, धर्म दी रखिया करदे होए कुछ बहादुर लोग शहीद होए, उना दा ना इतिहास दे वर्कियां ते सुनहरी अखरां नाल लिखिया जाएगा, जिन्हां ने धर्म हेत अपने सीस कटाए। दोवां फिरकियां दी लड़ाई बारे एक अखबार विच मुख खबर छपी के कुछ शरारती अंसरां ने देश दे शांति पसंद शहरियां उत्ते
हमला किया सी उहना ने अपने बचाले जवाबी कारवाई कीती जिस विच कुछ गुंडे मारे गए सन अते बहुत सारे जख्मी हो गए सन। ते दूजे पासे दूजे फिरके दिया अखबारा ने मुख खबर छापी के अपने धर्म दी रक्षा करदे समय कुछ वीर शहीद हो गए हन, इसलिए उन्हां दा ना इतिहास दे पन्नियां ते सुनहरी अखरां नाल लिखिया जावेगा। ठीक है बेटे, हुन अगे कंटिन्यू करदे हां। मेरा पुत्तर दोवें अखबारां लैके मेरे कोल आया ते अखबारां मेरे मोहरे धर के पुछण लगा, डैडी शहीद गुंडे कदों हो जांदे ने ते गुंडे शहीद कदों बन जांदे ने। ओ उसनू समझांदा है कि इक धर्म दे शहीद विरोधी धर्म लई सदा गुंडे ही रहिंदे हन अते उन्हां नू अपने गुंडे भी सदा शहीद लगदे हन। हुन अगे कंटिन्यू करदे हां। फिर उन्हां दी पछाण कौन करेगा, किवें होएगी उन्हां दी पछाण डैडी, वड्डी फैसला कौन लड़ाई ही उन्हां दी पछाण कराएगी। तू जदों वड्डी लड़ाई लई तैयार होवेगा तैनू सब समझ आ जावेगा, पर हाले वक्त नहीं आया हाले। तां वक्त कदों आएगा डैडी, मुंडे दी अजे भी तसल्ली नहीं सी हो रही। लेखक दे पुत्तर दी तसल्ली नहीं होई सी, इसलिए वो अपने पिता नूं अगला प्रश्न पूछता है कि असल शहीद दी पछाण कौन ते कीवें कर सकदा है। ता वो उसनूं संतुष्ट करन दी कोशिश करदे आखदा है, अजे तक ए समझण दा समा नहीं आया है। मैं मुंडे दे प्रश्न दी रोशनी विच बड़ी ही गंभीरता नाल सोचण लगदा हां। मेरी सोच विच ओ बेचैन लोक आउंदे ने जो सारी मनुखता लई चंगे सुपने बीजण दा अहद करके तुरे, मनुख दी होणी दी तरतीब बदलण लई उन्हां मशालां चुकियां पर अध विचाले ही रह गए, ते उन्हां दियां अखां दियां चिमणियां विच सूही सवेर रत बन के फैल गई सी। लेखक नूं अपने पुत्तर दे प्रश्नां नूं सुन के ओ बेचैन लोक याद आउंदे हन जो सारी लोकाई दी भलाई दा प्रण करके करो तुरे सन, ते उन्हां ने मनुख दे भले लई मशालां चुकियां सन पर उन्हां नूं सफलता हासिल नहीं होई सी। मैनू एक इनकलाबी दे कहे शब्द चेते आउंदे ने, जदों असी मनुखी आजादी लई जदों जहद शुरू कीती सी तां सानू डाकू किया जांदा सी बैंडिल। जदों साडी तहरीक थोड़ी सफल होई तां असी अतवादी हो गए। जदों कामयाबी साडे पैर चुम्मण लगी तां असी इनकलाबी कहलाउण लगे, ते जदों असी लड़ाई जीत लई तां देश भगत बन गए ते साडे विछड़े साथी शहीद। हुण लेखक नूं एक इनकलाबी द्वारा कहे गए शब्द याद आउंदे हन कि जदों उन्हां ने देश दी आजादी लई संघर्ष शुरू कीता सी तां उन्हां नूं डाकू कहा जांदा सी। जदों उन्हां दी आजादी प्राप्ति दी ए मुहिम थोड़ी जिही कामयाब होई सी तां उन्हां नूं अतवादी कहा जाण लग पिया, अते अंत जदों उन्हां दे यतन सदका देश आजाद हो गया तां उन्हां नूं देश भगत कहण लग पए सन, ते इस लड़ाई विच कुर्बान होए उन्हां दे साथी शहीद कहलाउण लग पए सन। हुण अगे कंटिन्यू करदे आं। अजे एक लंबी लड़ाई मनुख ने लड़नी है, सांझे शहीद पैदा करन लई मेरे बेटे, सांझे शहीद। मैं अपनी सोच विचों निकलदियां आखदा हां, कौन लड़ेगा ए लड़ाई डैडी। हुन मुंडा जिवें इस लड़ाई दी तांग रखदा होवे, तू भी लड़ सकदा है, मैं भी, तेरे बच्चे भी, ते शायद उन्हां दे बच्चे भी, अंतिम ते फैसला कौन लड़ाई। लेखक अपनी सोच विचों निकलदियां अपने पुत्तर नूं आखदा है
कि सांझे शहीद पैदा करन ले अजे लंबी ते निर्णायक लड़ाई लड़नी पवेगी अते ए लड़ाई कोई भी लड़ सकता है। मेरा जवाब सुन के मुंडा चुप हो गया सी। शायद ओ लड़ाई दी तैयारी बारे सोचन लग पिया सी। कई दिन इंज ही बीत गए। मुंडे विच काफी तब्दीली आउन लग पई सी। ओ लोड़ नालो ज्यादा ही गंभीर रहन लग पिया सी। निक्की निक्की गल नूं भी पुनन छानन लग पिया सी। एक दिन आके कहन लगा, उसदा पुत्तर अपने पिता दी एक गल सुन के चुप कर गया सी। कई दिन ऐसे तरह ही बीत गए अते मुंडे विच बहुत बदलाव आउन लग पिया सी। ओ छोटी छोटी गल ते विचार करन लग पिया सी। हुन अगे कंटिन्यू कर दिया। डैडी डैडी अपना गुआंडी रामलाल शहीद हो गया। बेटे रामलाल शहीद नहीं होया, मरिया है। ओदी मौत हो गई है, मर गया है रामलाल। नहीं डैडी, रामलाल शहीद होया। मेरा मुंडा बार बार आखी जा रिया सी, मनन विच ही नहीं आ रिया सी। अते एक दिन वो अपने पिता नू दसदा है कि उन्हां दा गुआंडी रामलाल शहीद हो गया है। पर लेखक उसनू समझौंदा है कि वो शहीद नहीं होया, सगों उसकी मौत हो गई है। पर वो लेखक दी गल नाल सहमत नहीं हुंदा ते कहंदा है कि नहीं पिता जी, वो शहीद होया है। हुन बेटे अगे कंटिन्यू करदे हां। ओ किवें, आखिर मैं तंग आके पुछया। ओदी घरवाली महल्ले दियां तीमियां नू दस रही सी, बई ओ जिन्ना चिर जिउंदा रिया बीमारी गरीबी ते भुख नाल ही कुलदा रिया ते अखीर मुक गया लड़दा लड़दा। मुंडे ने बड़ी ही गंभीरता नाल कहा। हुन लेखक उस तो परेशान होके पुछदा है कि रामलाल शहीद किवें हो सकदा है। तां बड़ी ही गंभीरता नाल स्पष्ट करदा है कि रामलाल दी पत्नी महल्ले दियां दूजियां औरतां नूं दस रही सी कि ओ जिन्ना चिर जिउंदा रिया सी ओ बीमारी गरीबी ते भुख आदि समस्यावां नाल जूझदा रिया ते अंत इन्हां समस्यावां नाल संघर्ष करदा करदा खत्म हो गया। मेरियां अखां विच बिजली चमकण लग पई सी। पल दी पल मैनूं जापिया जिवें मेरे मुंडे नूं उस अमुक लड़ाई दी समझ पै गई होवे जो साडे सांझे शहीदां ने अजे लड़नी है। हुण अपने पुत्तर दियां एह गल्लां सुन के उस दियां अखां विच बिजली चमकण लग पई सी ते कुछ देर लई उस नूं लग्या कि जिवें उस दे पुत्तर नूं एह कदे ना खत्म होण वाली लड़ाई दी समझ आ गई होवे जो आउन वाले समय विच दुनिया दे सांझे शहीदां ने लड़नी है। सो बच्चे, असी शहीद कहानी दी रीडिंग खत्म कर ली है। धन्यवाद।